ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे अमेरिकन ज्योग्राफर्स, और उसमें अभी चार ज्योग्राफर्स के बारे में और बात की जाएगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में आगे आने वाले एग्जाम्स में टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, आरपीएससी या फिर नेट एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिचर्ड हार्टसोन के बारे में बात करेंगे, जिनका कि जन्म 1899 में हुआ था और यूएसए के पेंसिल्वेनिया के किटोनिंग नगर में हुआ था। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 1992 में हुई थी। नेक्स्ट इन्हें एक पदक से नवाजा गया था और उसका नाम है दिल्ली स्वर्ण पदक। अर्थात पूछा जा सकता है दिल्ली स्वर्ण पदक से किस अमेरिकन विद्वान को नवाजा गया या फिर किस विद्वान को दिया गया। उसके अलावा बात करें तो इन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है इनकी रचनाएं। रचनाओं में जो फर्स्ट है, दो रचनाएं हैं अति महत्वपूर्ण हैं और दोनों किसी न किसी एग्जाम में टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, यूपीएचईएससी हुआ, आरपीएससी हुआ, सभी में पूछी जाती रही हैं। तो पहला है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की प्रकृति। देखा जाए तो ये कब प्रकाशित हुई है, तो ये 1939 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, वो है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और यदि इसकी बात करें तो ये 1959 में प्रकाशित हुई, यानी कि फर्स्ट नेचर ऑफ ज्योग्राफी और सेकंड पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अगर देखा जाए तो ये दोनों इनकी जो रचनाएं हैं, यानी कि दोनों जो पुस्तकें हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक कही जाती हैं, एक दूसरे की पूरक। कहने का तात्पर्य है कि एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा हार्टसोन की जो विचारधाराएं हैं उन्हें देखेंगे। विचारधारा, तो विचारधाराओं में इनकी जो पहली विचारधारा है वो है भूतल की संकल्पना, भूतल की संकल्पना। कभी कभी हिंदी में और कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस या फिर भूतल की संकल्पना किस विद्वान की देन है, तो वो है विचारधारा हार्टसोन की। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, भूगोल
एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन मानव के या फिर मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। कहने का तात्पर्य जो भूतल की संकल्पना है उसके अंतर्गत इन्होंने इसे क्षेत्रीय विज्ञान कहा और ये क्या है मानव के घर के रूप में से बताया। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है ये मानव ग्रह के रूप में किस विद्वान ने कहा है, तो रिचर्ड हार्टसोन। नेक्स्ट हम बात करें हार्टसोन की, तो इन्होंने भूतल के अंतर्गत तीन क्षेत्र इन्होंने भूतल के अंतर्गत रखे हैं, वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्थल मंडल और दूसरा है जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। कहने का तात्पर्य है कि भूतल के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की बात इन्होंने की है। इसके अलावा जो दूसरी संकल्पना है उसके बारे में देखें, तो दूसरी संकल्पना है इनकी क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। कहने का तात्पर्य है कि जो क्षेत्र विशेष में जो विभेद है यानी कि जो अंतर पाया जाता है उसकी बात की गई है, क्योंकि सभी क्षेत्र एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने नंबर 3 भूदृश्य की संकल्पना की बात की, यानी कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप या फिर कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन, जो क्षेत्रीय है कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूगोल में एक इन्होंने संभववाद की बात की। और पांचवी और लास्ट इनकी संकल्पना है भूगोल में द्वैतवाद। इंग्लिश में आप देना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। भूदृश्य को लिख सकते हैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, संभववाद को आप लिख सकते हैं पॉसिबिलिज्म और यदि भूगोल में द्वैतवाद तो इसे ड्यूलिज्म एंड ज्योग्राफी। ठीक है, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में पूछ लेता है, इसलिए हमें तैयार रहना है क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करना है, इसे नोट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे अब अन्य गुयोट के संबंध में। ये तो हो गया हार्टसोन महोदय ने क्या योगदान दिए हैं भूगोल के क्षेत्र में, उनकी बात की। नेक्स्ट है अर्नोल्ड गुयोट
की बात करें तो इनका सबसे पहले जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। नेक्स्ट इनके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट भी हैं, जैसे कि यूएसए में भूगोल का प्रथम शिक्षक बनने का सम्मान इन्हें प्राप्त है, बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। यानी कि जो भूगोल के प्रथम शिक्षक बने हैं वो हैं अर्नोल्ड गुयोट, भूगोल का प्रथम शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट और बात करें इनके बारे में तो ये कौन थे, ये एक भू आकृति विज्ञानी थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्नोल्ड गुयोट के बारे में, दे रखा होगा भू आकृति विज्ञानी थे या फिर इनकी कौन सी सब्जेक्ट में अधिक पकड़ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इन्होंने जो मैन है वो इन्होंने भू आकृति विज्ञान को चुना है, लेकिन कभी कभी एक एक जो ज्योग्राफर्स है वो कई विषय चुन लेता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में करेंगे, रचनाएं, तो रचनाएं इनकी सिर्फ एक रचना है अर्थ एंड मैन, अर्थ एंड मैन यानी कि पृथ्वी और मानव, यह इनकी मुख्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो कि पूछी जाती रही है, पृथ्वी और मानव। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी थी इतनी ही, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, आर डी सैलिसबरी की बात करेंगे। आर डी सैलिसबरी, आर डी सैलिसबरी की बात करें तो इनका जन्म है 1558 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1858 में और मृत्यु है वो है 1952 में। नेक्स्ट बात करें इनकी तो ये कौन है, जैसे कि वो अर्नोल्ड गुयोट की बात की तो वो एक भू आकृति विज्ञानी थे, लेकिन ये एक भूगर्भ शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता, और भूगोल वेत्ता, तो इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि भूगोल शास्त्री हैं या भूगोल वेत्ता ही हैं या फिर भू आकृति विज्ञानी हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर इनकी पुस्तकें देखें हम तो इनकी पुस्तक है फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और जो भू आकृति विज्ञान है अगर हम इसकी डेट की बात करें तो यह है 1907 में प्रकाशित हुई है।
ठीक है। तो यह तो जानकारी है आरडी सेलिसबरी की। इसके बाद हम बात करते हैं विलियम मॉरिस डेविस की। विलियम मॉरिस डेविस की विलियम मॉरिस डेविस की बात करें तो इनका जन्म 1850 में और इनकी मृत्यु 1934 में हुई। इन्हें देखा जाए तो एक नियतिवादी विचारक है, नियतिवादी विचारक। कहने का तात्पर्य है नियतिवादी या फिर निश्चयवादी कह लीजिए या फिर पर्यावरणवादी कह लीजिए, तो ये सभी जो कि प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं उनकी बात निश्चयवादी कह लीजिए, निश्चयवाद में की जाती है। नेक्स्ट इनके बारे में देखें तो इनका अपर्दन चक्र सिद्धांत, अपर्दन चक्र सिद्धांत जो कि अति महत्वपूर्ण है। अपर्दन चक्र सिद्धांत या फिर इंग्लिश में भी देखें तो एक जियो मॉर्फिक साइकिल, भू आकृति चक्र यानी कि इन्होंने अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसके अलावा जो भू आकृतिक चक्र जो शब्द है यानी कि जियोमॉर्फिक जो साइकिल जो शब्द है उसका प्रयोग इन्होंने ही किया है, शब्द का प्रयोग किसने किया है तो यह शब्द का प्रयोग किया है विलियम मॉरिस डेविस ने। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने एक कथन दिया था कि कोई भी स्थल रूप, कोई भी स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है और अवस्था का प्रतिफल है। कई बार ये जो कथन है इनका ये कई बार पूछा जाता रहा है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में भी, पीजीटी में या फिर यूपीएचएससी में या फिर नेट एग्जाम में भी इसको ये जो पंक्तियां हैं इन्हें पूछा जाता रहा है, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हम बात करेंगे मार्क जेफरसन की। मार्क जेफरसन, मार्क जेफरसन के बारे में जैसा कि इनके जन्म की बात करें तो 1863 और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके एक अध्ययन की यानी कि मानव केंद्रित अध्ययन, मानव केंद्रित अध्ययन, कभी कभी पूछा जाता है कि मानव केंद्रित अध्ययन किसकी देन है, तो यह है मार्क जेफरसन की देन, यानी कि मैन सेंटर्ड स्टडी, कभी कभी इंग्लिश में और कभी कभी हिंदी में भी पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ये संभववाद के समर्थक रहे हैं, संभववाद के समर्थक, इसके भी संभववाद के समर्थक हैं तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि प्रधान नगर का नियम, प्रधान नगर का नियम ये किसकी देन है? कभी कभी पूछा जाता है प्राइमेट सिटी, प्राइमेट सिटी और प्राइमेट सिटी किसकी देन है? तो वो है मार्क जेफरसन के। तो प्रधान नगर का नियम पूछ लेता है या फिर लॉ प्राइवेट सिटी भी पूछ सकता है, तो आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये तो रहा अमेरिकन भूगोल वेताओं का चैप्टर जो कि आप लोगों ने 5 वीडियो में ये कंप्लीट हुआ है और हमने बहुत ही विस्तार से इसमें जानकारी उपलब्ध की है। जैसा कि यूपीएचएसी, आरपीएससी और आपका नेट एग्जाम में क्वेश्चन काफी हद तक इसी नेचर से पूछे जाते हैं जिस नेचर से आपको इसमें पढ़ाया गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।